हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल राजपूत ब्लॉग। ये देखिए गाइस, मैं आप लोगों के लिए पूरी इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूँ वीडियो में। फुल डॉक्यूमेंट, क्या डॉक्यूमेंट आप लोगों को चाहिए, क्या डॉक्यूमेंट लगेगा आप लोगों का, पूरा क्राइटेरिया क्या है। ये आर्मी जो कि आगरा की भर्ती होने वाली है, रिक्रूटमेंट होने वाला है हमारा, जो कि 20 सितम्बर से 10 अक्टूबर के बीच में आनंद इंजीनियरिंग कॉलेज प्रीतम आगरा में। ये सबसे पहली बात ध्यान रख लीजिए, आप लोग के एडमिट कार्ड आ चुके हैं, मैंने वीडियो डाला था तो आप लोग वीडियो देख सकते हैं वहाँ से कि ऐसे आप लोगों को एडमिट कार्ड निकालना है। तो मैं आज आप लोगों को ये पूरी इन्फॉर्मेशन दिखा रहा हूँ कि क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे आपके, क्या चाहिए। एक का कमेंट आया था कि वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट चाहिए कि नहीं चाहिए, तो वो भी मैं बताऊँगा। और इसके साथ में काफ़ी 2-3 फॉर्म हैं जो आप लोगों को डाउनलोड करके आप लोगों को वहाँ पर लाने हैं, वो अटेस्ट करना है आप लोगों को फॉर्म में, पूरे डॉक्यूमेंट में। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिएगा, अगर आपने कुछ भी स्किप कर दिया पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा। मैं फुल बताऊँगा कि कैसे आप लोगों को फॉर्म निकालना है, कहाँ से, और मैं PDF भी आप लोगों को ये दूंगा जो भी मैं अब आप लोगों को वीडियो बनाने जा रहा हूँ, और पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा कि डॉक्यूमेंट क्या लगना है आप लोगों को, क्या प्रूफ है, क्या नहीं है, क्या चीज़ें जो काफ़ी लोगों को पता नहीं होगा, उन्होंने फॉर्म भर दिया होगा कि अग्निवीर क्या है, ये आर्मी रिक्रूटमेंट क्या हो रहा है, इसमें क्या प्रोसेस है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। देखिए, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हमारा स्टार्ट हो गया था 5 जुलाई से 3 अगस्त के बीच में, जिसमें से सभी लोगों ने, हमारे जितने भी जवान भाई हैं उन्होंने अपना फॉर्म भरा था जो कि आगे जाने वाले आर्मी भर्ती के लिए, तो उन्होंने ये भर दिया था फॉर्म। तो इसमें देखिए कितने ज़िलों की इसमें भर्ती हमारी हो रही है, ये रैली हो रही है हमारी एलिजिबल कैंडिडेट फॉर डिस्ट्रिक्ट आगरा, आगरा वाले ध्यान रख लीजिए, मथुरा, अलीगढ़, एटा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, हाथरस एंड कासगंज, इतने डिस्ट्रिक्ट हैं जिनकी रैली आगरा आनंद इंजीनियरिंग कॉलेज में हमारी हो रही है। तो इसके जो स्पेशल इंस्ट्रक्शन है, टर्म एंड कंडीशन है, वो आप लोगों को ध्यान रखना है। देखिए, कैंडिडेट जो कि इंग्लिश में दिया गया, मैं आप लोगों को हिंदी में बताने वाला हूँ, जो कि समझ में नहीं आएगा तो सुन लीजिएगा, इसलिए बोल रहा हूँ, वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। कैंडिडेट होना चाहिए आर्मी एक्ट 1950 के अकॉर्डिंग से, ये सब चीज़ें तुम्हारी टर्म्स एंड कंडीशन दी गई हैं, और सर्विस ऑफ अग्निवीर विल बी कमेंस फ्रॉम द डेट ऑफ एनरोलमेंट, एनरोलमेंट से जब सर्विसेज अग्निवीर की आप लोगों की कमेंस हो जाएगी, जब से आप लोग का एनरोलमेंट हो जाएगा। और अग्निवीर वुड फॉर्म अ डिस्टिंक्ट रैंक इन आई ए डिफरेंट फॉर एनी अदर एग्जिस्टिंग रैंक के अकॉर्डिंग ही आप लोगों को लिया जाएगा। लीव, यूनिफॉर्म, पे अलाउंसेस, अलाउंसेस रहने का खर्चा, और जो कि सर्विस, जो चार साल की जो गवर्नमेंट आप लोगों को सर्विस देगी, पूरी मैं इन्फॉर्मेशन दूंगा कि 4 साल में आप लोगों को क्या क्या होगा, कितनी आप लोगों की सैलरी मिलेगी, पहले ईयर में कितनी मिलेगी, दूसरे में कितनी मिलेगी, तीसरे में कितनी मिलेगी है। और ये देखिए क्या होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशनल होना चाहिए। अग्निवीर स्कीम विल बी रिक्वायर्ड अंडर गो मेडिकल चेकअप होगा, आपको का फिजिकल होगा, रिटेन होगा, और फील्ड टेस्ट होगा, जो कि फील्ड टेस्ट अभी आप लोगों का ही होने वाला है, इसी के साथ आप लोगों का मेडिकल भी हो जाएगा, सब चीज़ें हो जाएंगी। फिर इसके बाद में एक डेट आ जाएगी और डिस्चार्ज, ये देखिए जो चलते हैं दूसरी तरफ, डिस्चार्ज क्या होता है हमारा, कि ऑल अर्निंग विल कंप्लीशन ऑफ 4 ईयर, मतलब 4 साल बाद आप लोगों को डिस्चार्ज कर दिया जाएगा, जिसका सिलेक्शन हो जाता है कि नहीं हो जाता। ऑन डिस्चार्ज आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 4 ईयर अग्निवीर विल बी पेड अ सेवानिधि दी जाएगी आप लोगों को अग्निवीर के बाद में, इसके बाद आप लोग सोसाइटी में कुछ भी कर सकते, कोई भी सेक्टर में आप लोग जा सकते हैं। अग्निवीर विल नॉट बी एलिजिबल फॉर एनी काइंड ऑफ पेंशन, कोई भी पेंशन की तरह के नहीं है, एक्स सर्विसमैन के लिए नहीं है, नीदर एलिजिबल फॉर एयर सर्विसमैन के लिए भी नहीं है, और कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट के लिए भी नहीं है, ये सब चीज़ें नहीं है, ठीक है। अब चलते हैं इनरोलमेंट और रेगुलर कैडर की तरफ में, क्या बेस्ड ऑन ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायरमेंट पॉलिसीज, इसकी पॉलिसीज के अकॉर्डिंग से आप लोग क्या, दिस एप्लीकेशन कंसीडर्ड मैनर आर्मी बेस्ड ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया द पीरियड ऑफ नॉट मोर देन 25% ईच बैच, मतलब 25% से ज़्यादा के बैच के लोगों को नहीं लिया जाएगा, मतलब 25% लोगों को लेना है, उन लोगों को 5-4 साल तक सभी लोग करेंगे, फिर उसके बाद उन लोगों को लेना, फिर 15 ये तुम्हारा पूरा दिया गया। सो एनरोल रेगुलर कैडर विल बी रिक्वायर्ड सर फॉर अ फर्दर एंगेजमेंट पीरियड, 15 साल की जॉब आप लोगों को मिलेगी, आप लोगों को काम करना, जूनियर कमीशन ऑफिसर अदर रैंक हो जाएगी जिसकी करेंटली, इसके अकॉर्डिंग से, ठीक है। अब चलते हैं एम्प्लॉय अवेलेबिलिटी, मतलब कि अग्निवीर में क्या होगा कि ऐसे ड्यूटी जो आप लोगों को दी जाएगी आप लोगों को अच्छे टाइम टू टाइम करनी पड़ेगी, डिसाइड करना पड़ेगा टाइम टू टाइम, पोस्टेड होगा रेजिमेंट के थ्रू आप लोगों का हो जाएगा। अब लीव की बात है, छुट्टी की बात है, अगर आप लोगों का सिलेक्शन हो जाता है तो आप लोगों को छुट्टी कैसे मिलेगी, तो ग्रांट लीव होगी जो कि आप अकॉर्डिंग होगी, दो, एक होती है एनुअल लीव और एक सैलरी सिक लीव, एक लीव मतलब आप लोगों को मिलेगी साल भर की जो कंप्लीट करके 30 दिन पर ईयर, मतलब एक साल की लीव जो आप लोग 4 साल के लिए अगर आप लोग वहाँ जाएंगे तो आप लोगों को 30 दिन के लिए पूरे साल भर में एक बार जॉब छुट्टी मिलेगी जो आप लोगों को लेनी, और अगर आप लोगों की सिक लीव है बेस्ड ऑन मेडिकल में, अगर आप लोगों की तबीयत खराब हो जाती है, कुछ भी चीज़ हो जाती है, तो मेडिकल एडवाइस के अकॉर्डिंग ही आप लोगों को छुट्टी मिलेगी। अब आते हैं मेन बात इसका, जो कि मेन है, सब लोगों के दिमाग में जा रहा होगा कि हम लोग सैलरी कितनी मिलेगी, तो ये देखिए सैलरी का हम बता दे रहे हैं आप लोगों को, पहला साल जब आप लोगों का होगा तो आप लोगों को 30,000 और वहाँ पे जो भी प्लस एप्लीकेबल अलाउंस जो भी और भी खर्चा होगा वो आप लोगों को मिलेगा, 30,000 आपके हाथ में आएगा।
दूसरे साल में आप लोगों को 3,000 रुपये आप लोगों का बढ़ जाएगा, जिससे 33,000 हो जाएगा, और तीसरे साल में आप लोगों का 36,500, तीसरे साल में भी आप लोगों को 3,500 रुपये बढ़ जाएगा, 33,000 से इतना हो जाएगा, और चौथे साल आप लोगों का 40,000 रुपये हो जाएगा, और आप लोगों का एक्स्ट्रा खर्चा फ्रॉम द अपर पैकेज, इसके पैकेज 30% विल बी कंपलसरी डिपॉजिट एवरी मंथ इन कॉर्पस विच मैच टू द GYU, जिसमें क्या होगा कि आप लोगों का 30% आप लोगों के डिपॉजिट हो जाएगा मैच में GYU में, बैलेंस अमाउंट लेस देन कॉर्पस कंट्रीब्यूशन विल बी इन हैंड कंपोनेंट में हो जाएगा आप लोगों का। अब चलते सेवा निधि पैकेज, सेवा निधि पैकेज के अकॉर्डिंग से जो काफ़ी लोग दिमाग में, ऑन डिस्चार्ज 4 साल के बाद कॉर्पस क्या होगा 5 लाख तक की, जो आप लोगों के जो धीमे धीमे जो जो कि आप लोगों का 30% कट रहा था, वो आप लोगों का इकट्ठा होने के बाद आप लोगों को 5 लाख रुपये मैच GYU से मिल जाएगा, और अमाउंट ऑफ 10 लाख एक बार इंटरेस्ट बिल भी टू अग्निवीर, और 10 लाख तक की आप लोगों की सेवा निधि मिल जाएगी। ये चीज़ है दिमाग में। पेमेंट मोडलिटी और सेवा निधि पैकेज, 2 ऑप्शन फॉर रिसीव सेवा निधि, 2 ऑप्शन होंगे सेवा निधि पैकेज के आप लोगों के लेने के लिए, लोन्स के थ्रू ले सकते हो, या फिर आप लोग एंटरप्रेन्योर थ्रू बैंक गारंटी के और मतलब इमीडिएट किसी भी मतलब बैंक से आप लोग ले सकते हैं, ठीक है। अलाउंसेज के अग्निवीर पे या कंपोजिट पैकेज, ही विल बी नॉट एलिजिबल टू एनी डियरनेस अलाउंस इन मिलिट्री सर्विस पे, ही विल गेट एप्लीकेबल दिस हार्डशिप राशन ड्रेस, जो कि राशन मिलेगा, खाने पीने का, ड्रेस मिलेगी, ट्रैवल अलाउंस मिलेगा, जो भी टाइम टू टाइम, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा। अब चलते लाइफ इंश्योरेंस कवर भी मिल जाएगा, लाइफ अग्निवीर विल बी प्रोवाइडेड नॉन कंट्रीब्यूटरी लाइफ इंश्योरेंस कवर, 48 लाख का लाइफ इंश्योरेंस आप लोगों को मिलेगा, ठीक है, पीरियड, एंड दे विल बी नॉट एलिजिबल फॉर आर्मी ग्रुप, और जो आर्मी ग्रुप के लिए होने नहीं चाहिए जो स्कीम है इसके लिए, ठीक है। लीज फॉर द सर्विस, मैक्सिमम पीरियड ऑफ अग्निवीर विल बी इनोमिनेटेड द पैरा टू अबव है, और जिसमें आर्मी एक्ट के थ्रू ये दिए गए, आप लोग ये पढ़ लेंगे। पर्सनल एग्जिस्टिंग 4 ईयर सर्विस, 4 साल की सेवा निधि हो जाएगी। अग्निवीर स्किल सर्टिफिकेट मिलेगा आप लोगों को, ठीक है। इंगेजमेंट पीरियड, जिसके आप कहीं पे भी जाके आप लोग जॉब ले सकते हैं, आप लोग लगा देंगे बड़ी बड़ी कंपनियों में, जो कि इंटरप्रेन्योर अच्छी अच्छी कंपनी आएंगी वहाँ पर लगा देंगे, तो आप लोगों को जॉब मिल जाएगी, ठीक है। 12th सर्टिफिकेट, अग्निवीर हैव बी एनरोल्ड आफ्टर क्वालिफाइंग 10th सर्टिफिकेट 12th, मतलब 10th के बाद भी भर सकते, 12th के बाद भी भर सकते, 4 ईयर एंगेजमेंट होना चाहिए आप लोग स्किल अटेंड। फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए आप लोग तो रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, ये सब चीज़ आप लोगों को पता है, आनंद सिंह कॉलेज में हो रहा है आर्मी रिक्रूटमेंट, एडमिट कार्ड रैली बिटवीन एडमिट कार्ड भी आप लोगों का आ चुका है, ठीक है। अग्निवीर के लिए देखिए प्रोसीजर क्या है आप लोगों का, कि 45% एग्रीगेट होने चाहिए, 33% इन ई सब्जेक्ट, मतलब 33% हर एक सब्जेक्ट में होने चाहिए, 17.5 से 23 साल तक है, 1 अक्टूबर से इस बार हम लोग 1 अक्टूबर 1999 से 1 अप्रैल 2005 तक के बीच के जितने भी छात्र जितने भी हमारे जवान भाई हैं सब लोग अपने आर्मी के लिए भर सकते हैं ऑल आर्म्स। अग्निवीर टेक्निकल, वो ड्यूटी जनरल ड्यूटी के लिए था, और ये टेक्निकल के लिए भी यही सेम प्रोसीजर है, इसमें इंटरमीडिएट पास पे साइंस फिजिक्स मैथ केमिस्ट्री ये सब चीज़ होनी चाहिए, और ठीक है। और इसमें देख क्लर्क और कीपर के लिए भी इतनी डेट सबके लिए 17.5 से 23 है, ठीक है, ये सब चीज़ें दी गई हमारी, और आप लोगों को फिजिकल स्टैंडर्ड ये सब चीज़ें दी। कैंडिडेट विल बी टेस्टेड एज अ बिलो, देखो कितना होगा 1.6 किलोमीटर की रन होगा, मतलब एक ग्राउंड के 4 चक्कर होंगे, 400 मीटर के राउंड के चक्कर होंगे आनंद सिंह कॉलेज के, ठीक है। तो मैं ग्राउंड की जो वीडियो होगा मैं आप लोगों के लिए बाद में बताऊंगा, क्योंकि पूरा ग्राउंड दिखाऊंगा आप लोगों को, ट्रैक दिखाऊंगा कैसा ट्रैक बना हुआ है, तो ये भी बताना है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, वो भी वहीं आपको ग्राउंड के साथ बनाऊंगा। और इसकी टाइमिंग है जो कि टाइमिंग है 5 मिनट 30 सेकंड, 5 मिनट 30 सेकंड के अंदर की जितने भी ग्रुप बन वाले हैं वो आ जाने चाहिए, और 5 मिनट 31 सेकंड टू 5 मिनट 45 सेकंड के बीच में ग्रुप सेकंड वाले हैं, ठीक है। मार्क बीम है 60-48 है, पुल अप लगाने हैं आप लोगों को जाके, और 9 फीट डिच मतलब काफ़ी लंबी है, जिग जैग बैलेंस है उस पर जाकर देखना है बैलेंसिंग आप लोगों का सही है कि नहीं है, ठीक है। मेडिकल टेस्ट होगा आप लोगों का, फिजिकल होगा आप लोगों का, फिर मेडिकल टेस्ट होगा, फिर होगा फिर रिटन टेस्ट थ्रू द कॉमन एंट्रेंस, CE एग्जाम के थ्रू आप लोगों का एक रिटन टेस्ट होगा। और क्या करना है आप लोगों को, एडमिट कार्ड लाना है बिल्कुल, या फिर कलर एडमिट कार्ड अगर निकलवाना चाहते हैं तो हमें कलर एडमिट कार्ड निकलवा लीजिएगा, और एडमिट कार्ड की 2 से 3 कॉपी आप लोग लेकर आइएगा एडमिट कार्ड की, ठीक है। फोटोग्राफ भी होनी चाहिए, ठीक है, काफ़ी सारी फोटोग्राफ ले आइए, प्रॉपर हेयर कट होना चाहिए उसमें, क्लीन सेव होनी चाहिए फोटोग्राफ में, ठीक है, और कोई भी दाढ़ी आड़ी वाली फोटो नहीं होनी चाहिए, अगर आप लोग दाढ़ी आड़ी वाली फोटो आएगी तो फोटो एक्सेप्ट नहीं की जाएगी, तो सबसे पहले ध्यान में ये रख लीजिएगा, ठीक है। और एजुकेशन सर्टिफिकेट क्या हो गया, आप लोग 12th की मार्कशीट लानी है, 10th की मार्कशीट लानी है, जो भी आप लोगों के डॉक्यूमेंट लग रहे हैं ओपन स्कूलिंग है उसकी लानी है, अपेंडिक्स डोमिसाइल सर्टिफिकेट लाना है सबसे पहले दिमाग में रख लीजिए, कास्ट सर्टिफिकेट लाना है आप लोगों को, अगर रिलीजन से रिलेटेड आपको कुछ है तो रिलीजन सर्टिफिकेट लाना है, स्कूल का कैरेक्टर सर्टिफिकेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी लाना है, अनमैरिड सर्टिफिकेट भी लाना है आप लोग, ठीक। और रिलेशनशिप सर्टिफिकेट कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस, रिलेशनशिप सर्टिफिकेट में क्या होगा कि
अपेंडिक्स के थ्रू आपका जो भी कुछ होगा, एनसीसी अगर सर्टिफिकेट है तो वो 100% लेकर आइएगा आप लोग, क्योंकि एबीसी जो भी सर्टिफिकेट होगा आपने, ठीक है, परेड में सर्टिफिकेट शुड भी फोटोग्राफ होनी चाहिए, एक्सेप्टेड ऑथेंटिकेटेड एनसीसी ग्रुप कमांडर के थ्रू, ठीक है। स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है आप लोग किसी भी स्पोर्ट्स में आप लोग थे या उसके थ्रू आप लोग डिस्ट्रिक्ट लेवल या उसके लेवल या स्टेट लेवल पर आप लोग खेल कर आए हैं उसका सर्टिफिकेट है तो आप लोग वो भी लगा सकते हैं, ठीक है। एफिडेविट के साथ में सबमिशन ऑफ एफिडेविट मैंडेटरी टू गिव एन एंट्री टू द रैली, कैंडिडेट विल नॉट बी परमिटेड टू एंट्री रैली विदाउट एफिडेविट, एफिडेविट के बिना उसके साथ नहीं एंट्री दी जाएगी, ठीक है। सर्टिफिकेट ऑफ बोनस मार्क, बोनस मार्क्स कैसे मिलेंगे, ऑल ओरिजिनल सर्टिफिकेट फोटो कॉपीज डेली अटेस्टेड प्रिटेनिंग बोनस मार्क विल एक्सेप्टेड ड्यूरिंग द रैली, नो सर्टिफिकेट इंक्लूडिंग सर्टिफिकेट टू इंक्लूड एनसीसी सर्टिफिकेट स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट रिलेशनशिप सर्टिफिकेट ये सब चीज़ें में नहीं होगा, ठीक है। सिंगल बैंक अकाउंट, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये सब चीज़ें आप लोगों की आनी चाहिए। पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए आप लोग, ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। 20 मार्क्स बोनस मार्क्स इन सीई बोनस मार्क्स में क्या होता है कि 20 नंबर अग्रिमी टोटल मार्क्स मिलते हैं और 20 sky SKT टोटल मार्क्स 20 में मिलते हैं। और स्पोर्ट्समैन के लिए मतलब इतना मिलते हैं, अगर अगर सर्टिफिकेट है तो 5 मार्क्स मिल जाएगा, ये पूरा आप लोगों का दिया गया है। रिप्रेजेंटेटिव स्टेट और जूनियर नेशनल लेवल के लिए तो 15 मिल जाएंगे GD में आप लोगों का, ठीक है। मतलब हर ये देखिए पूरा ये आप लोगों को बोनस मार्क मिल सकता है पूरा आप लोगों का कॉमन एंट्रेंस एग्जाम में, अगर आप लोगों की ये सारी सर्टिफिकेट आपके पास है या कुछ है, ये सब चीज़ें हैं, ITI है या फिर एक कुछ है डिप्लोमा होल्डर है तो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है, ठीक है। अग्रिमी था इसके बाद स्पेशल एनी कैंडिडेट हु हैज़ रिसीव एडमिट कार्ड 5 डेज पर रैली मेरे इज द ऑफिस आगरा फर्दर क्लेरिफिकेशन, अगर कोई भी स्टूडेंट है जो कि रिसीव नहीं हुआ एडमिट कार्ड उसके पास तो आप जाकर सीधे डायरेक्ट आर्मी रिक्रूटमेंट ऑफिस आगरा के पास जा सकते हैं क्लेरिफिकेशन के लिए, ठीक है। 1 अक्टूबर विल बी टेकन इफेक्टिव डेट फॉर डिटरमाइनिंग द एल एलिजिबल कैंडिडेट कैन बी प्रोड्यूस बर्थ सर्टिफिकेट टाइम ऑफ प्रीलिम्स, अगर 1 अक्टूबर तक आप लोगों की डेट वो हो रही है बर्थ डेट क्या मतलब पूरा कैंडिडेट में क्या कम रैली ओनली फॉर द डेट एज पर द एडमिट कार्ड, एडमिट कार्ड में जो भी डेट आप लोगों की मेंशन हुई होगी आप लोग उसी डेट में आप लोगों को आना है, ठीक है। कैंडिडेट टू और क्या करना है कि कैंडिडेट शुड ब्रिंग पेन और हैंड कर्चीफ, पेन भी लाना है कैंडिडेट को जो भी आर्मी वाला आएगा हमारा उसको, एक रूमाल लेकर आना है साथ में और एक पेन भी लेकर आना है, ये सबसे दिमाग में ध्यान लग रही। और इन्हेंसिंग ड्रग यूज़ काइंड ऑफ परफॉर्मेंस और ड्रग, अगर आप लोगों कोई भी ड्रग या कुछ भी चीज़ अगर आप लोग कुछ इंजेक्शन लेते हुए अगर पाए गए आप लोग की वहाँ पर आएगी तो आप लोगों को सीधे वहाँ से हटा दिया जाएगा और सीधे आप लोगों को डिसमिस कर दिया जाएगा, कहीं पर भी रैली में फिर दोबारा से पार्ट नहीं ले सकते। और अगर आप लोगों के एक बॉडी में टैटू बना हुआ है तो टैटू के लिए भी एक सर्टिफिकेट नीचे दिया गया है, वहाँ पे आप लोगों को अटैच करना है कि आप लोगों का टैटू क्यों बना है, क्या कम्युनिटी पे बेस्ड है, किस लिए बना है, तो आप लोग पूरा ये फॉर्म अभी मैं दिखाऊंगा नीचे की तरफ फॉर्म है उसको आप लोगों को फॉर्म भरना पड़ेगा, ठीक है। अब चलते January 2023 नेगेटिव मार्किंग विल बी एप्लीकेबल, जो कि आप लोगों का रिटर्न एग्जाम होगा वहाँ पर नेगेटिव मार्किंग होगी, ठीक है। एट द रैली साइड और कैंडिडेट शुड बी ड्यू से बियर्ड होनी चाहिए, चेस्ट हेयर में होनी चाहिए, पब्लिक हेयर मतलब सब चीज़ें आप लोगों की सब चीज़ होनी चाहिए, ठीक है। और रैली साइड 2-3 times कैंडिडेट शुड अरेंजमेंट स्टैंड देयर ओन अरेंजमेंट के लिए 2-3 आना चाहिए, ठीक है। वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है, 100% फुली वैक्सीनेटेड होना चाहिए, वैक्सीन सर्टिफिकेट लेकर आना है आप लोगों को, ठीक है। रिजल्ट रिटर्न विल बी डिक्लेयर ऑफिशियल वेबसाइट पर हो जाएगा, ठीक है। अगर कैंड ये देखिए फॉर्मेट फॉर एफिडेविट का फॉर्मेट है ये, तो आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, आप लोगों का पूरा फॉर्मेट है, आप लोगों को कैसे क्या करना, ऑक्यूपेशन करना, सिविलियन मिलिट्री ये सब चीज़ें आप लोगों का पूरा है, ये देखिए आप लोगों का फॉर्म है एफिडेविट का। इसके बाद चलते लिस्ट ऑफ स्कूल एंड BDS, ये आप लोगों की रिपोर्ट पूरी मतलब स्कूल दिए गए हैं, ठीक है, तो ये देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद लिस्ट ऑफ गेम स्पोर्ट्स एंड इनरोलमेंट, जहाँ पे आप लोगों का गेम्स स्पोर्ट्स इनरोलमेंट है तो वहाँ पे आप लोग रिमार्क करना है, टिक करना है, आप लोग किसी भी गेम में थे या स्टेट लेवल पे आप लोग सर्टिफिकेट था वो भी, ठीक है। अब नॉन जुडिशियल स्टाम्प 10 रुपये का स्टाम्प है ये अग्निवीर के तो अंडर अग्निवीर स्कीम के लिए आप लोगों को ये स्टाम्प लेकर आना है, ठीक है, समझ रहे हैं। फिर चलते हैं हम लोग नीचे की तरफ स्टाम्प, नॉन जुडिशियल स्टाम्प पे आप लोगों की पूरी इन्फॉर्मेशन इसमें भरनी है, आप लोगों का एड्रेस, रेसिडेंशियल एड्रेस क्या है, और इसमें आप लोग ये भी प्रूफ करना है कि आई हैव नॉट पार्टिसिपेटेड एनी बार कोई भी का प्रोटेस्ट हुआ था, कोई भी डिस्ट्रक्शन अभी जो किए हुए थे इतने ज़्यादा दंगे आएंगे उसमें भी आप लोगों ने कोई भी पार्ट नहीं लिया था, और आप लोगों का पार्ट आर्ट भी लिया भी होगा तो आप लोगों की फोटोज़ आ जाएगी उसमें से, तो आप लोगों को शायद फॉर्म भी नहीं भरा गया होगा शायद, ऐसे कुछ ऐसे सुनने में आया था, इसलिए सिग्नेचर कराना है, फादर के भी सिग्नेचर कराने आप लोगों को अपने, इसमें पूरा डिस्ट्रिक्ट इशूड बाय इशूड क्या है, अटेंडिंग द रिक्रूटमेंट रैली और ये सब पूरा आप लोगों को साइन कराना है, ठीक है। इसके बाद में क्या आइडेंटिटी बॉन्ड है तुम्हारा, ये सब चीज़ें बॉन्ड है, अटैच फोटो करनी है आप लोगों को, ये सब बॉडी टैटू सर्टिफिकेशन मैंने बोला था कि यदि नीचे दिएगा तो बॉडी टैटू का सर्टिफिकेशन है आप लोगों को, पूरा सर्टिफिकेट करना है फॉर टैटू परमानेंट बॉडी रिस्पेक्ट टू कैंडिडेट ट्राइबल कम्युनिटीज़ में अगर आप लोग बिलोंग करते हैं, ये सब चीज़ें आप लोगों को इन्फॉर्मेशन ही देखिए मैंने दी है आप लोगों को। तो आई होप गाइस आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल टेक्निकल राजपूत ब्लॉग, और मैं हम दूसरा वीडियो लेकर आऊँगा कि आप लोगों का एंट्री कहाँ से होगी,
कितना बड़ा ग्राउंड है, और मतलब एंट्री वाला बताऊंगा आप लोगों को, और आप लोगों को बताऊंगा कि जालौन वाले, ललितपुर वाले, झांसी वाले लोग कहाँ से आए कि हमारे कॉलेज तक पहुँच सकें जहाँ पर आर्मी रैली भर्ती होगी। तो मैं ये वीडियो बनाऊँगा आप लोगों के लिए अभी 3-4 दिन में। तो भाई जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दो कि ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब होंगे तो मैं आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे वीडियो भी डालता जाऊँगा। और वीडियो को लाइक भी कर देना, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय जवान, जय किसान।